नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी, ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है नेकलाइंस, कॉलर्स, स्लीव्स, योक्स एंड पॉकेट्स, और ये लेक्चर बीएससी पार्ट 3 होम साइंस की छात्राओं के लिए है। साथ ही साथ यह फैशन डिजाइनिंग की छात्राओं के लिए भी उपयोगी है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी गारमेंट को जो हम तैयार करते हैं, किसी भी ड्रेस को जब हम तैयार करते हैं, तो जब उसकी पूरी फाइनल स्टिचिंग हो जाती है, सिर्फ यदि हम उसे ऐसे ही स्टिच करके छोड़ दें तो वो देखने में उतने सुंदर और आकर्षक नहीं लगते। तो इसके लिए हम उस पर विभिन्न प्रकार की, जो उसकी हम कह सकते हैं ड्रेस को अलंकृत करने के लिए, आकर्षण उसका बढ़ाने के लिए, हम जो चीजें उसमें उपयोग में लाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के नेकलाइंस हम बनाते हैं, गले विभिन्न प्रकार के गले बनाए जाते हैं, उसमें डिफरेंट प्रकार के कॉलर्स लगाए जाते हैं, साथ ही साथ आस्तीन, योक और पॉकेट्स का उपयोग भी हम उसको सजाने या उसके आकर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये किस तरह से किया जाता है। पोशाक सिलना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसे पूर्ण करना और उसे सजाना भी जरूरी होता है, और इसलिए पोशाक की विविधता के कारण उसके बहुत सारे इसमें विविध इसके रूप या प्रकार होते हैं, और उनको आकर्षक बनाने के लिए, जैसे पुरुषों के परिधान अलग होते हैं, महिलाओं के परिधान अलग होते हैं, तो उनमें अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के कॉलर, स्लीव्स, नेकलाइंस, योक, पॉकेट्स का उपयोग किया जाता है। वास्तव में इनका उपयोग जो है हम पोशाक के या परिधान के आकर्षण में वृद्धि करने के लिए, साथ ही साथ उसमें नवीनता लाने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेकलाइंस के बारे में, गले की रेखा क्या होती है या इन्हें किस तरह से बनाया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो गले का आकार जो है वो व्यक्तित्व के अनुरूप होना चाहिए, या जिस व्यक्ति के लिए आप परिधान सिल रहे हैं उसकी व्यक्तिगत रुचि के साथ के अनुरूप होना चाहिए। व्यक्तिगत रुचि के साथ साथ हम उसकी शारीरिक बनावट का भी खास ख्याल रखते हैं, और उसी के अनुसार जो है उनके परिधान में कॉलर्स का या नेकलाइंस का उपयोग किया जाता है। हम सबकी आंखें सदैव रेखाओं में गति करती हैं, और परिधान का प्रत्येक कटाव या घुमाव जो है आंखों को गति या अवरोध प्रदान करता है। गले का आकार परिधान के मूल डिजाइन पर आधारित होना चाहिए। केवल आड़ी, तिरछी और गोल रेखाओं के आधार पर ही सारे गलों का या नेकलाइंस का निर्माण किया जाता है। बस आवश्यकता होती है तो इस बात की कि उनको हम सही तरीके से बनाएं। मुख्यतः गले जो होते हैं, नेकलाइंस जो है, वो तीन प्रकार की होती है, राउंड नेकलाइन, वी नेक, राउंड नेक और स्क्वायर नेक। तो इन तीनों को ही, इन तीनों के ही आकार में थोड़ा सा फेर बदल करके हम विभिन्न प्रकार की नेकलाइंस या जो गले होते हैं उनको तैयार करते हैं, और सबसे अधिक नेकलाइंस जो है वो महिलाओं के परिधानों में उपयोग में लाए जाते हैं। बेसिक नेकलाइंस जो होती है वो राउंड नेक, यू नेक और बोट नेक होती है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं, राउंड नेक जो होता है ये प्रायः चौड़ाई में छाती का 12वां हिस्सा हम जो बेसिक होता है उसमें लेते हैं, और लंबाई के लिए पीछे से 2.5 से 5 सेंटीमीटर और आगे के लिए छाती का 8वां हिस्सा लेते हैं, और उसमें 1.5 सेंटीमीटर जोड़कर हम राउंड नेक जो है वो तैयार करते हैं। फैशन के आधार पर या फिर पहनने वाले के अनुसार इसे हम कम या अधिक कर सकते हैं। इसकी डीप जो है, इसकी गहराई जो है, उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर यू नेक है, गोल गले की गहराई को ही बढ़ा दिया जाता है, तो जिससे इसका यू आकार बन जाता है, और इस तरह का पहना हुआ गला जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसकी लंबाई छाती का 8वां हिस्सा लेते हैं, और उसमें 2.5 से 5 इंच तक हम प्लस कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है बोट नेक। यह नेकलाइन चौड़ी होती है, गोल गले को कंधों पर दूर दूर तक फैलाकर और गहराई को कम करके इसे बोट का या एक नाव जो होती कश्ती उसका आकार दिया जाता है, और इस तरह का जो नेक होता है वो बोट नेक कहलाता है। नेक्स्ट है डोरी वाला नेक, ड्रॉ स्ट्रिंग नेक। जब गला बहुत बड़ा होता है तो उसके किनारे जो होते हैं उस पे नेफे के समान रचना होती है, और इस नेफे में हम डोरी डालकर उस गले को या नेक को हम छोटा बड़ा अपने इच्छा अनुसार करके उसे बांध सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद ढीला बल वाला गला, जिसे हम काउल नेक भी कहते हैं। इस तरह का नेक बनाने के लिए उरेब कपड़ा लिया जाता है, जिससे कपड़े
मैं थोड़ा सा उसमें दो या चार जो होते बल जो होते हैं वो ठीक सामने गले के पास आते हैं और इस प्रकार का नेक जो है बहुत ही नाजुक और वजन में हल्के कपड़े जो होते हैं उनकी सहायता से बनाए जाते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से फॉल आए या अच्छी तरह से ड्रेप करे। नेक्स्ट जो गला है नेकलाइन है वो है की होल नेक। गोल गले के बीच में छोटा सा किसी भी शेप में उसको आकार दिया जाता है और इस तरह से वो एक होल के समान या एक छेद के समान वो दिखाई देता है, इसे हम की होल नेक कहते हैं। नेक्स्ट है वी नेक। यह गला अंग्रेजी के वी आकार के शेप में बना हुआ होता है और कई बार इसका शेप जो होता है इस तरह से भी, जैसे हम इसको सामने से वी नेक करें और पीछे से इसको हम गोल गला भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फेर बदल करके हम इसे सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं और ये गले जो है देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और खासकर महिलाओं की ब्लाउज और कुर्ते में उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर नेक या चौकोर गला। यह चार कोनों वाला गला होता है और पीछे की तरफ जो है वो गोल गला भी इसमें बनाया जा सकता है और ये पहनने वाले की इच्छा अनुसार होता है कि उसको कितना स्क्वायर नेक कितना चौकोर गला पहनना है। नेक्स्ट है ग्लास शेप नेक। चौकोर गले को ही हम नीचे की तरफ से कुछ उसकी चौड़ाई को कम कर देते हैं जिससे वह सामने ऊपर की तरफ खुला हुआ और नीचे की तरफ कम खुला हुआ एक ग्लास के शेप में दिखाई देता है, तो ये जो है ग्लास शेप नेक कहलाता है। नेक्स्ट है स्वीट हार्ट गला या स्वीट हार्ट नेक। इस गले में चौकोर गले के नीचे की सीधी लाइन ना लगाकर हल्का सा इसमें हम वी शेप देते हैं और इसको स्वीट हार्ट नाम दिया गया है क्योंकि इसकी रेखा जो है सीधी हार्ट की गहराई में जाती है। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्लाइड में नेकलाइंस दिखाए गए हैं। डिफरेंट टाइप के नेकलाइंस जो है वो हम यूज करते हैं फ्रंट और बैक में और ये व्यक्ति जो है अपनी रुचि के अनुसार या उनके ऊपर जो चीज अच्छी लगी जिस टाइप का नेक वो पहनना पसंद करेंगे, जो उनके शरीर की आकृति को सूट करती है वैसी नेकलाइन जो है उन्हें पहनना चाहिए। अब नेक्स्ट है नेकलाइन के बाद हम देखते हैं कॉलर्स जो कि इसी नेकलाइन पर लगाए जाते हैं और पोशाक के आकर्षण में ये वृद्धि करने का काम करते हैं। पोशाक की सजावट जो होती तब तक अपूर्ण रहती है जब तक कि उनका गला जो है सुंदर ना हो और गले को सजाने के लिए हम फॉल्स हेम पाइपिंग झालर बहुत से प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के शेप के कॉलर्स जो है इनका हम उपयोग करते हैं। नेकलाइंस पर कॉलर लगाए जाते हैं और इनके डिजाइन का चयन परिधान की डिजाइन फैशन और पहनने वाले व्यक्ति के अनुरूप किया जाता है। कॉलर्स गले की रेखा पर दो तरह से लगाए जाते हैं, एक तो अबव द नेकलाइन मतलब गले की रेखा के ऊपर की तरफ और दूसरा बिलो द नेकलाइन मतलब गले की रेखा से नीचे की तरफ। कॉलर्स के प्रकार यदि हम देखें तो बेबी कॉलर, ये कॉलर जो होता है बच्चों की फ्रॉक में ज्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं और इन्हें कई प्रकार से सजाया जाता है जैसे पाइपिंग हो गया, लेस हो गया या फिर झालर या फ्रेस लगाकर। दूसरे हैं चौकोर फ्लैट कॉलर्स जो होते हैं, इस कॉलर में बैंड नहीं होता और कॉलर का सारा फॉल जो है पोशाक पर पड़ता है परिधान पर पड़ता है और इसका प्रयोग जो है ज्यादातर छोटे बच्चों के ही पोशाक में किया जाता है जिससे उसकी सुंदरता जो होती है उसमें वृद्धि होती है। तीसरा है अम्ब्रेला कॉलर। इस प्रकार की जो कॉलर होती है उसकी कटिंग जो होती है वो अम्ब्रेला फ्रॉक के समान ही होती है, अंतर केवल इतना होता है कि घेर बड़ी होती है और कॉलर के लिए जो घेर होती है वो उससे छोटी होती है। नेक्स्ट है क्लाउन कॉलर। बच्चों के परिधान में इसका उपयोग किया जाता है, देखने में बहुत सुंदर दिखाई देती है और इसको हमेशा हम दो विपरीत या कंट्रास्ट कलर का उपयोग करके बनाते हैं। कोट कॉलर, इसका प्रयोग बच्चों व बड़ों की शर्ट में किया जाता है। इसमें फैशन पट्टी जो होती चौड़ी होती है जो फोल्ड कर लगाई जाती है। पीटर पैन कॉलर, ये कॉलर नेकलाइन के पास फ्लैट रहती है और इसका प्रयोग बच्चों की पोशाक में गले की सजावट के लिए करते हैं। रोल कॉलर, यह कॉलर आगे से खुली पोशाकों जैसे लेडीज कोट हो गया या गाउन हो गया में ओरेप कपड़े का बनाकर इसे लगाया जाता है और इसके निर्माण में इंटरलाइनिंग का उपयोग करने से इस कॉलर का फॉल जो है वो बहुत अच्छा आता है। शॉल कॉलर, इसका प्रयोग लेडीज हाउस कोट और जेंट्स गाउन में किया जाता है। इसे पोशाक के साथ ही काटा जाता है और दूसरा भाग वह जो ऊपर टर्न होकर आता है और मध्य अस्तर अलग से काटे जाते हैं इसमें। स्टैंड कॉलर, इसका प्रयोग जो है वो नेहरू कुर्ता जवाहर कोट जो होते हैं उसमें शेरवानी जोधपुरी कोट इनमें किया जाता है। स्त्रियों की पोशाक जो होते परिधान उनमें भी जैसे ब्लाउज में या कुर्ते में स्टैंड कॉलर का उपयोग किया जाता है।
शर्ट कॉलर पुरुषों की कमीज में इस कॉलर का प्रयोग होता है और यह कॉलर पॉल की नोक व चौड़ाई के कारण प्रचलित फैशन के अनुसार ही बनाई जाती है। इस स्लाइड में देखिए आपको कुछ कॉलर्स के टाइप्स बताए गए हैं, जिन कॉलर्स का आपको उपयोग करना है वो आप देख लीजिए कि आपके ऊपर आपके व्यक्तित्व के अनुसार उस कॉलर को आप उपयोग में लाए जो आपके आकर्षण को या आपके व्यक्तित्व को निखार कर दिखाए। इसके बाद हम देखते हैं फ्लैट कॉलर। फ्लैट कॉलर क्या होता है? ये कॉलर परिधान के गले के पास फ्लैट होती है, कम या अधिक चौड़ी ये हो सकती है और पूरे कॉलर की चौड़ाई एक सी ही हो ये जरूरी नहीं होती। ये नुकीली गोल किसी भी आकार में इसे हम बना सकते हैं। फिर है रफल्ड कॉलर। ऐसे कॉलर गोल गले पर लगाए जाते हैं लेकिन गले की गोलाई से अधिक गोलाई या वक्रता कॉलर की कटिंग में होती है और यही कारण है कि कॉलर जब मूल परिधान से जोड़ा जाता है तो उसमें फ्रिल जैसी रचना दिखाई देती है। नेक्स्ट है सेलर कॉलर। इस कॉलर का प्रयोग नेवी या जल सेना के यूनिफॉर्म में होता है और आजकल इस तरह के कॉलर का प्रयोग जो है वो बच्चों के परिधानों में भी किया जाने लगा है। नेक्स्ट विंग कॉलर। इस कॉलर का फॉल चपटा होता है और इसका प्रयोग अधिकतर बच्चों के परिधान में किया जाता है। जबोट कॉलर्स जो होते हैं इसका प्रयोग बच्चों लड़कियों के बालिकाओं के और युवतियों की जो शर्ट होती हैं उनके गले के सौंदर्य को या आकर्षण को बढ़ाने के लिए जबोट कॉलर का उपयोग होता है। ट्यूक्सडो कॉलर। यह कॉलर बच्चों और स्त्रियों की पोशाकों में गले की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ओवरलैपिंग या बैंड कॉलर। फैशन के अनुसार बच्चों स्त्रियों और पुरुषों में इसका प्रयोग किया जाता है। और मैंडारिन कॉलर जो होते हैं यह गले और सौंदर्य गले के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम इस तरह का कॉलर का उपयोग करते हैं। तो इसमें से कुछ आप जो कॉलर्स देख रहे हैं वो बेसिक कॉलर्स हैं जिनका उपयोग हम हमेशा परिधानों में या पोशाकों में करते हैं और कुछ कॉलर्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम गले की सुंदरता को या पोशाक के आकर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो तीसरा है वो स्लीव्स या आस्तीन। आस्तीनें जो है वो परिधान का प्रमुख भाग होती है और परिधान के मुख्य भाग से इनका जुड़ना सिलाई प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इस सिलाई पर परिधान की शोभा निर्भर करती है। आस्तीनों के प्रकार यदि हम देखें तो फैशन के बदलते स्वरूप के साथ साथ इनका भी स्वरूप जो है वो बदला है। आस्तीन कई प्रकार की होती है और इनकी लंबाई के आधार पर इन्हें हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे फुल स्लीव्स, पूरी आस्तीन, आधी आस्तीन या हाफ स्लीव्स और पौन आस्तीन या थ्री क्वार्टर स्लीव या थ्री फोर स्लीव जिसे हम कहते हैं। तो पूरी आस्तीन जो है इसका प्रयोग कमीज, कोट, ब्लाउज, फ्रॉक और कुर्ते में किया जाता है और ये कंधे से शोल्डर से शुरू होकर हमारी कलाई के पास आकर समाप्त होती है। जबकि जो हाफ स्लीव्स होती है आधी आस्तीन इसका प्रयोग जो होता है मुख्यतः कमीज, सफारी सूट, बुशर्ट, कोट, ब्लाउज, फ्रॉक और लेडीज कुर्ते पर होता है और ये कंधे से प्रारंभ होती है और कोहनी के ऊपर ही समाप्त हो जाती है। तीसरी होती है आस्तीन जो वो है पौन आस्तीन या थ्री फोर्थ कह लीजिए या थ्री क्वार्टर स्लीव कह लीजिए। इस प्रकार की आस्तीन जो होती है कंधे से शुरू होती है और कोहनी के नीचे लेकिन कलाई से 4 से 6 इंच पहले ही समाप्त हो जाती है। लेडीज कुर्ते में, ब्लाउज में या डॉक्टर्स के जो कोट होते हैं उनमें इस तरह की स्लीव्स का उपयोग किया जाता है। आस्तीन के प्रकार यदि हम देखें तो आस्तीन को मुड्ढे की गहराई से जोड़ा जाता है और आवश्यक है कि नाप जो है मुड्ढे की गहराई के, मुड्ढे मतलब जो आपका आर्म होल है उससे जोड़ा जाता है और उसकी गहराई के अनुकूल जो होता है इसका नाप होना चाहिए। आस्तीन में खिंचाव न पड़े और पहनने वाला जो है वो स्वाभाविक ढंग से हाथ को आगे पीछे लग जा सके इसके लिए यह आवश्यक होता है कि आस्तीन की चौड़ाई जो है वो मुड्ढे की गहराई से थोड़ी अधिक होनी चाहिए। आस्तीन सादी आस्तीन जो है उसे बनाते समय भी आस्तीन की चौड़ाई में हम कपड़ा जो है मुड्ढे की नाप से 1 से 1.5 इंच तक हम इसको अधिक रखते हैं। आस्तीन के ऊपरी भाग में कंधे के जोड़ के पास महीन या कुछ चुन्नटे जो होती है उसे डालकर हम अतिरिक्त जो कपड़ा होता है उसको वहां पे मैनेज करते हैं या खपाते हैं। स्त्रियों के परिधानों में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं और फैशन बदलने के साथ साथ इनमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो आस्तीनों के भी कुछ प्रचलित प्रकार होते हैं जो कि निम्नानुसार है, जैसे सादी आस्तीन इसका प्रयोग ब्लाउज और कुर्ते में होता है, इसमें कंधे या मोहरी पर
चुन्नट नहीं दी जाती और मुहरी के किनारों को अंदर की ओर मोड़कर तुरपन किया जाता है या तुरपाई की जाती है। फुग्गे वाली आस्तीन, ठीक है, पफ स्लीव जिसे हम कहते हैं, ये आस्तीन अनेक प्रकार से बनाई जाती है। कपड़े की लंबाई में अंतर रखकर विविधता लाई जाती है इसमें, और इसमें कंधे और मुहरी दोनों जगह पर जो है वो चुन्नट डाली जाती है। किमोनो स्लीव जो है ये आस्तीन जापानी परिधान की विशेषता है और उनकी पारंपरिक परिधान जो होती पोशाक किमोनो, एक ढीला ढाला चोगा जैसा एक परिधान होता है, उसी के अनुसार यह बनाई जाती है। इसमें कोई कटिंग नहीं की जाती, इसकी आस्तीन बिल्कुल सीधी होती है और महिलाओं के गाउन व बच्चों के पोशाक में इन्हें लगाने का फैशन है, ये इसमें प्रचलित है। नेक्स्ट है रेगलॉन स्लीव्स। मिस्टर रेगलॉन जो थे उनके द्वारा इस स्लीव्स का निर्माण किया, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रेगलॉन रखा गया। ये आस्तीन जो होती है सीधे कंधे से पोशाक के साथ जुड़ी होती है, इसमें कोई कटिंग नहीं की जाती, इसकी आस्तीन सीधी होती है और इसका प्रयोग स्त्रियों की पोशाक जैसे कुर्ती ब्लाउज आदि पर होता है, साथ ही साथ बच्चों के वस्त्रों पर भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर है बेल आस्तीन या बेल स्लीव्स। यह आस्तीन घंटी के आकार की अर्थात ऊपर से कम और नीचे से फैली हुई होती है, घेर कम या अधिक जो है वो हम आवश्यकता अनुसार इसकी रख सकते हैं। इसका प्रयोग जो है बच्चों के पोशाक में किया जाता है। फिर है बिशप स्लीव्स। इस प्रकार की स्लीव्स को कंधे पर सादा काटा जाता है, ये चौड़े कफ वाली होती है, मोहरी के पास इच्छा अनुसार इसमें हम चुन्नट डालकर इन्हें कफ के साथ जमाया जाता है। पहले ऐसे आस्तीन का प्रयोग पादरी के परिधानों में होता था, किंतु आजकल बच्चों के वस्त्रों में भी बिशप स्लीव्स का प्रयोग जो है वो किया जाने लगा है। इस स्लाइड में देखिए आपको कुछ स्लीव्स के टाइप्स दिखाए गए हैं कि कौन सी स्लीव जो है किस प्रकार से बनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं योक। वस्त्र के ऊपरी हिस्से में उसी प्रकार उसी कपड़े का या फिर अन्य किसी कपड़े का जो जोड़ लगाया जाता है उसे हम योक कहते हैं, और योक जो है वो मुख्यतः वस्त्र पर उसको आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए साथ ही साथ फिटिंग देने के लिए बनाया जाता है। मगर मोटे कपड़े जो होते हैं उनमें सिंगल योक लगाया जाता है, और जहां पर पतले कपड़े होते हैं उसमें हम डबल फोल्ड में योक को उपयोग में लाते हैं। योक लगाने के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कपड़े की मजबूती को बढ़ाना, कपड़े की दिशा बदलकर वस्त्र पर आने वाले खिंचाव को रोकना, फैशन के लिए और पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए। इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम परिधान में योक का प्रयोग करते हैं। योक लगाने के लिए जो स्थान होते हैं ज्यादातर वस्त्रों में ऊपरी हिस्सों पर ही योक लगाए जाते हैं, मगर कभी कभी फ्रॉक स्कर्ट और मैक्सी में वेस्ट लाइन पर भी योक का उपयोग किया जाता है। तो योक मुख्यतः कंधों पर शोल्डर पर लगाए जाते हैं, बॉडी योक्स होते हैं, स्कर्ट में फ्रंट और बैक पोर्शन पे योक लगाए जाते हैं जिसे हम वेस्ट योक के नाम से जानते हैं, सलवार और चूड़ीदार में हिप योक का प्रयोग किया जाता है, जींस जैसे भारी वस्त्र जो होते हैं पैंट वगैरह उसमें भी हिप योक जो होते हैं उनको उपयोग में लाया जाता है। यहाँ देखिए इस स्लाइड में आपको कुछ योक्स के टाइप सिखाए गए, जैसे बॉडी योक जो है ऊपर फ्रंट में और बैक में यूज करते हैं, साथ ही साथ शोल्डर योक जो होता है हम शर्ट में पीछे की तरफ और सामने की तरफ यूज में लाते हैं उपयोग करते हैं, स्कर्ट में हम देख सकते हैं आप यहाँ पे वेस्ट योग जो है उपयोग में लाया गया है, और उसी तरह से पैंट में देखिए आप पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं पॉकेट्स के ऊपर वो हिप योग है जिनका उपयोग हम प्रॉपर फिटिंग के लिए भारी वस्त्रों में उपयोग में लाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पॉकेट्स या जेब जो होती है वो क्या होती है। जेब वास्तव में या पॉकेट जो होते हैं वो वास्तव में किसी पोशाक में दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधा होती है जिसमें व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार चीजें रख सकता है। पोशाक व फैशन के अनुरूप अनेक डिजाइन्स जो होती हैं उसमें जेब लगाई जाती है, जैसे कि सादी शर्ट जेबें, प्लेन जो शर्ट में जब पॉकेट्स लगती है इसका प्रयोग ज्यादातर पुरुषों की शर्ट और बुशर्ट में किया जाता है। टक्स पॉकेट, इसका प्रयोग भी शर्ट में किया जाता है, इसमें टक्स डालकर हम पॉकेट को आकर्षक बनाते हैं और उसमें नवीनता लाने का प्रयास करते हैं। फ्लैप पॉकेट जो होती है यह सादी जेब की तरह ही बनती है और इसके ऊपर फ्लैप लगा दिया जाता है, इस कारण से इसे हम फ्लैप पॉकेट के नाम से जानते हैं, और इसका प्रयोग जो होता है अधिकतर शर्ट्स में ऊपर पैंट में पीछे की तरफ इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। पैंट क्रॉस जेब जो होती है या पॉकेट्स, इनका प्रयोग जो होता है पैंट और हाफ पैंट की साइड में क्रॉस
उसमें इन जेबों को या इन पॉकेट्स को लगाया जाता है। साइड पॉकेट्स ये भी पैंट और हाफ पैंट के साइड में लगाए जाते हैं। कट बोन पॉकेट्स जो होते हैं ये पैंट और हाफ पैंट के बैक साइड में लगाए जाते हैं, पीछे की तरफ लगाए जाते हैं। जीन्स पॉकेट्स जो होते हैं ये जेब सामने की साइड में गोलाई में शेप करके इसको काट कर जीन्स पॉकेट जो है वो लगाई जाती है। पैच या फैंसी पॉकेट जो होते हैं ये विभिन्न डिजाइनों में प्लेन टक्स में या फिर इसमें एम्ब्रॉयडरी करके ये पोशाक पर जो है लगाए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ पॉकेट्स जो हैं ये बहुत सिंपल होते हैं जिनका कि हम हर फैब्रिक में उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम विशेष परिधानों में उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम परिधान के आकर्षण को बढ़ाने के लिए जब परिधान सिलकर तैयार हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के स्लीव्स, कॉलर्स, नेकलाइंस, पॉकेट्स, योक्स का प्रयोग करते हैं और इससे हम परिधान को एक तो फिटिंग भी देते हैं, साथ ही साथ उसमें एक आकर्षण उत्पन्न करते हैं, उसमें एक नवीनता उत्पन्न करते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर। ये आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं शिप्रा बैनर्जी।